मैं इमरान सैफी, मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम गंगा एक्सप्रेसवे के बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको देने जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे मतलब जो कि उत्तर प्रदेश के जो हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और हम उस पॉइंट पे स्टार्ट खड़े हुए हैं, उस जगह पे हम स्थान पर खड़े हुए हैं जिसको बोला जाता है मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जो 56 पॉइंट है जहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे स्टार्ट होना है, उस स्थान पर हम खड़े हुए हैं। और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इधर को दिखाइए आप, ये सारा जो दिखाया जा रहा है, ये यहाँ पे पिलर वगैरह लगाए दिखाए जा रहे हैं, ये सारा का सारा गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। और आप उधर देखोगे, वहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ पर लिखा 56 प्लस 164, तो यहाँ से जो है गंगा एक्सप्रेसवे जो है स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से प्रॉब्लम आ रही है कि गंगा एक्सप्रेसवे का जो अलाइनमेंट को चेंज, जो हाजीपुर से बार बार सुनने में आ रहा है कि हाजीपुर से इसको कराया जाएगा, तो यहाँ के हमारे पास आज काशी सोलाने के कुछ किसान खड़े हुए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सूचना आ रही है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका काशी सोलाना गंगा एक्सप्रेसवे का, तो मुझे बताइए कि जो हाजीपुर से जो गवर्नमेंट इसको बदलने की बात की समय समय पर आ रही है, और जो अभी तक ऐसा कोई भी सूचना नहीं आ पा रही है, तो आप इसमें क्या बोलना चाहोगे, क्या मैटर है इसका गंगा एक्सप्रेस बदलने का? हम ये कहना चाहते हैं, मैं सोलाने से किसान हूँ महबूब अली, और हमारे पास में जो है ये पीछे किसान है, काशी के भी हैं, दोनों गाँव के किसान सम्मिलित हैं, और हम मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे जो है उस पर खड़े हैं जहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी। जी, जो मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का 56 पॉइंट है उसके पास से ही ये जो है गुजर बनकर जाएगा। पॉइंट एक पर हम खड़े हैं गंगा एक्सप्रेसवे के। हमारा सभी किसानों का माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है, प्रार्थना है कि हमारा जो पुराना अलाइनमेंट है, जो कांची से शुरुआत है, उसी को ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारे 2 साल से बैनामे बंद हैं और खुंटियाँ लगी हुई हैं, और खुंटियों के बाद में जो है इन्होंने लेखपालों द्वारा, तहसील के कर्मचारियों द्वारा जो है प्रत्येक किसान को किसके खाते में से कितनी ज़मीन जो है, जमीन जारी है, सारी कितनी ज़मीन जो है एक्सप्रेसवे में जाएगी, तो ये सारी जो प्रक्रिया हैं इन्होंने जो सब कंप्लीट कर ली हैं। बस हमें तो अब ये कह रहे थे अधिकारी के, बस आपका जो है पैसा आना बाकी है, नोटिस आकर आपका पैसा आना बाकी है। तो हम सभी किसान जो हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि जो पुराना अलाइनमेंट है उसी को जो है निकाला जाए और उसी पर जो है कार्रवाई की जाए। ये किसान हैं और सभी लोग खड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं आपको कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे हम इस टाइम खड़े हुए हैं, और काशी सोलाने किसान हैं, और इन्होंने बोला है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ जी से है, उनसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा काशी ही से ये गंगा एक्सप्रेसवे निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1.5 साल से बैनामे बंद है, और इन्होंने जिस तरह से बताया कि सारी प्रक्रिया यहाँ पर हो चुकी है। तो मेरा मानना यही है कि गंगा एक्सप्रेसवे ज़्यादा से बेहतर, क्योंकि आपको मैं कनेक्टिविटी अगर बात करते हैं, हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं कि इस काशी से निकालने से गंगा एक्सप्रेसवे जो क्या फ़ायदा होगा, क्यों इधर से ये जो आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी है, और आपका दिल्ली मेरठ मुंबई भी एक्सप्रेसवे यहाँ से निकल के जा रहा है, हरिद्वार भी एक एक्सप्रेसवे यहाँ से निकल जा रहा है, जो ये प्रतापपुर एक जंक्शन है यहाँ, ये अगर इससे कनेक्ट किया जाता है तो इसमें बेनिफिट ये होगा कि ये सारे क्षेत्र में, मतलब यहाँ से आप लखनऊ भी जा सकते हो, दिल्ली भी जा सकते हो, मुंबई भी जा सकते हो, हरिद्वार भी जा सकते हो, काशी भी जा सकते हो, मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इसको जोड़ने से फ़ायदा ही फ़ायदा सरकार को होगा, और बेहतर से बेहतर यहाँ पर लोगों को, जो यहाँ के किसान हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधा मिल जाएगी। तो ये एक्सप्रेसवे, और आपको मैंने बताया है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से ही गंगा एक्सप्रेसवे शुरुआत होना चाहिए, यही किसानों की मांग है, और इसी चीज़ को लेके किसान आंदोलन कर रहे हैं। जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, जब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे, और सरकार को भी इस पर देखना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए कि जिनके जब 1.5 साल से बैनामे वगैरह सब बंद है, तो यहाँ पर ही कार्य शुरू करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत